नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको मैक्स वूपा का जो रीअश्योर प्लान है इसका फुल डिटेल एक रिव्यू दूंगा। तो लास्ट वाली जो मेरी वीडियो थी वो बहुत ही छोटी थी, उसमें सिर्फ एक बेसिक फीचर्स बताए गए थे। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा फुल रिव्यू दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्लान मार्केट में कितना बेहतर प्लान है ये, जिसको आप ये देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके सम इश्योर्ड के बारे में बताता हूँ कि ये बेस सम इश्योर्ड जो होता है इसमें आप 3 लाख की पॉलिसी से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे रूम रेंट की, तो इसके अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। आपने दूसरे प्लान्स में देखा होगा कि सिंगल प्राइवेट एयर कंडीशन रूम तक की उसमें कैपिंग होती है, या कुछ आपने प्लान्स में देखा होगा कि सम इश्योर्ड की 1% या 2% की लिमिट रहती है। मतलब आपने अगर 5 लाख का प्लान लिया हुआ है तो 5,000 रुपये की लिमिट रहेगी। अगर आपने कोई आईसीयू का उसके अंदर रूम की कैपिंग है, हो सकता है 2% हो, यानी 5 लाख का 2% 10,000 के रूम की कैपिंग होगी। लेकिन इस प्लान के अंदर कोई भी किसी भी टाइप के रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, मतलब ये वो खर्चे होते हैं जब हम अस्पताल में एडमिट होने से पहले की कुछ टेस्ट कराते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं या कुछ दवाइयाँ लेते हैं, और अस्पताल से आने के बाद भी हमें डॉक्टर को वापस दिखाना पड़ता है, जिसके अंदर हमारी दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ एग्जामिनेशन भी होते हैं, कुछ टेस्ट भी होते हैं, डॉक्टर की फ़ीस भी होती है। तो इसी तरीके के खर्चे जो हैं 60 दिन एडमिशन होने से पहले के और 180 दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे इसमें कवर होंगे। इसके अंदर जो सबसे अच्छा बेनिफिट है और जो इस प्लान को यूनिक बनाता है वो है इनका एक रीअश्योर या रीस्टोर बेनिफिट। आपने किसी भी पॉलिसी के अंदर सुना होगा कि ये 5+5 या 10+10 की पॉलिसी काम करती है। मतलब अगर आपने कोई 5 लाख की पॉलिसी ली है, अगर वो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है तो सेम ईयर के अंदर उस पैसे को दोबारा रीस्टोर कर दिया जाता है और आपकी फैमिली के लिए 5 लाख रुपए, अगर फॉर एग्जांपल लूँ तो 5 लाख रुपए जो है दोबारा दे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर सिर्फ आप दोबारा ही 5 लाख ना लेकर कितनी बार भी पैसे ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि इसके अंदर जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो अनलिमिटेड टाइम्स है, जो इस पॉलिसी को सबसे यूनिक बनाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पहले ही क्लेम से स्टार्ट हो जाता है। हम वेट नहीं करेंगे कि आपका अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख पूरा ख़त्म होगा तो आपको दोबारा से इसके अंदर 10 लाख मिलेगा। अगर आपके पास पहले ही कोई क्लेम आता है, सपोज़ आपका पहले ही क्लेम 3 लाख रुपए का आ जाता है और आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है, तो आपके पास सिर्फ 7 लाख नहीं बचे हैं, आपका ये साथ में रीस्टोर भी हो गया है, तो आपके पास 7 लाख के अलावा भी आप इसके अंदर खर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक लिमिट होती है रिस्टोरेशन में कि कोई सा भी बिल जो होगा आपका रिस्टोर का, वो जो बिल है वो बेस सम इंश्योर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी वो बिल जो है 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर सेम पर्सन सेम इलनेस के भी ऑप्शन है। बहुत कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि अगर रीस्टोर में सेम बीमारी अगर किसी को हो जाती है और दोबारा ही वो सेम बीमारी के लिए जाते हैं और रीस्टोर एप्लीकेबल होता है, तो वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई सी भी बीमारी हो, सेम बीमारी हो, सेम ही इंसान हो, तो भी आपको क्लेम मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नो क्लेम बोनस की, या जिसको बूस्टर बेनिफिट भी बोला गया है इस पॉलिसी में, तो यहाँ पर 50% पर ईयर मिलता है। अगर आपने किसी भी साल कोई क्लेम नहीं किया, आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है, तो ऑटोमेटिक वो अगले साल 15 लाख रुपए की हो जाएगी। और इसी तरह आपने उसके अगले साल भी क्लेम नहीं किया, तो ये आपका जो है 10 लाख की पॉलिसी बन जाएगी 20 लाख की। और हम आगे बढ़ते हैं होम केयर ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अंदर एक होम केयर फैसिलिटी भी है जो कि सिर्फ दो ही बीमारियों के लिए, कीमोथेरेपी के लिए और डायलिसिस के लिए एप्लीकेबल है, जो कि हम घर में किसी भी मतलब होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं बहुत सारे, उनको बुलाकर हम करवा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप कूपन की। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि डे वन से आपको हेल्थ चेकअप कूपन मिलते हैं, जो कि 500 रुपये पर लैग के हिसाब से है। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो आपको 2,500 रुपये का जो है एक हेल्थ चेकअप बेनिफिट के रिम्बर्समेंट मिल जाएगी। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो, अगर आपकी इंडिविजुअल सिंगल पॉलिसी है तो 5,000 रुपये, और अगर आपकी कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है जिसके अंदर 2 लोग या 3 लोग से ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपये की।
एक इनकी एप्लीकेशन है मैक्स बोपा की, उसी के अंदर आप लिव हेल्थी बेनिफिट होता है। अगर आप उसके अंदर कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, अगर वो स्टेप्स आप चलेंगे तो आपको 30% तक का रिन्यूअल में डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है, जो दूसरी कंपनियां हैं वहाँ पे 8, 9, 10% तक का डिस्काउंट देती हैं, यहाँ पर वो 30% तक का डिस्काउंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो हाँ वो भी अवेलेबल हैं, और उसकी जो लिमिट है, कुछ रोबोटिक सर्जरीज हैं, सब पर नहीं, कुछ ही रोबोटिक सर्जरीज हैं जिनकी जो लिमिट है वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है। बाकी के जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं लाइक रोबोटिक सर्जरीज, साइबर नाइफ सर्जरीज, वो सारी जितनी भी ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के ट्रीटमेंट हैं उसके अंदर आपको सम एश्योर तक की अवेलेबिलिटी मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें आपको क्रिटिकल इलनेस है या आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेना पड़ता है एक डॉक्टर से, तो हाँ हर हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको जो है एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एमरजेंसी एम्बुलेंस की, तो उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि 2,000 रुपये आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों एक सबसे अच्छी चीज़ है, एयर एम्बुलेंस का कवर है, जो कि सम एश्योर तक अवेलेबल है अगर आप इसको कैशलेस के अंदर लेते हैं। मतलब हॉस्पिटल ने ही अगर आपको वो कोई एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है, जिसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और जहाँ पे कुछ इस तरह की रोड की फैसिलिटी नहीं है या हमें जल्दी पहुँचाना है, और ये हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करा रहा है, तो हो सकता है ये आपकी फैसिलिटी कैशलेस हो जाए, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर इसको आप रिम्बर्समेंट में कराते हैं तो वहाँ पर 2.5 लाख रुपये की लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शेयर्ड एकोमोडेशन की, अगर आप सिंगल, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। अगर आप उसके अलावा कोई ऐसा रूम लेते हैं जहाँ पर शेयरिंग ऑप्शन है, यहाँ पे 2 या 3 बेड अवेलेबल हैं, और आप उस शेयरिंग रूम के अंदर एकोमोडेशन लेते हैं, तो अगर आपके पास 15 लाख रुपये तक की पॉलिसी है तो 800 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 4800 रुपये। और अगर 15 लाख के ऊपर की आपकी पॉलिसी है तो आपको 1,000 रुपये पर डे मिलेंगे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 6,000 रुपये की। यहाँ पे बात करें हम डे केयर ट्रीटमेंट की, तो जितने भी डे केयर ट्रीटमेंट हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आपकी जो है ये इस बीमारी का इलाज या इस सर्जरी का इलाज डे केयर में हो सकता है, मतलब आप सुबह गए और शाम को वापस घर पे आ गए, तो सारे इस तरीके की बीमारियाँ भी आपकी जो हैं कवर्ड हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर आप कहते हैं नहीं मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, यूनानी लेना है या होम्योपैथी लेना है, और ये हॉस्पिटल में एडमिशन के दौरान ही अगर आपके ऐसे कुछ ट्रीटमेंट चलते हैं तब भी आपको इन चीज़ों के पैसे मिलेंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, डोमिसिलरी जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या मरीज की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको वहाँ पर एडमिट करा सकें, तो इस कंडीशन में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो भी यहाँ पे कवर होगी, लेकिन उसको आपको कैशलेस नहीं ले सकते, उसके लिए आपको बिल भेजकर ही क्लेम करना पड़ेगा, जो कि रिम्बर्समेंट बेसिस पे होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट की, तो लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि किसी ने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसका एक ऑर्गन, यानी किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया या आपका लीवर का ट्रांसप्लांट हो गया, तो जिसने ये डोनेट किया है उसके ऑपरेशन के, उसके ट्रीटमेंट के भी जो है सारे खर्चे जो हैं इस प्लान के अंदर दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे भी कवर हैं जो ऑप्शनल हैं, जिनको आप थोड़ा सा एडिशनल पैसे देकर वो आप ले सकते हो। जैसे इसके अंदर सबसे पहला फीचर आता है सेफगार्ड का। सेफगार्ड का मतलब ये होता है कि कुछ नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, जैसे एडमिशन चार्ज हो गया, ग्लव्स हो गए, ठीक है, अल्कोहल स्वैब्स हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको IRDAI ने नॉन पेबल आइटम डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके चार्जेस भी इसके अंदर मिलेंगे अगर आपने ये जो है कवर लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दूसरा जो उसका ऑप्शन है कि अगर आपका कोई भी क्लेम 50,000 रुपये या उससे नीचे का रहता है 1 साल के अंदर, तो आपको जो नो क्लेम बोनस मिलने वाला था वो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन है एक CPI बेनिफिट का, जिसको CPI का हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक हमारी स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हर साल बताती है कि आपकी बीमारी का खर्चा पिछले साल इतना था और इतने साल इस बार इतना इंक्रीज़ हो गया है। तो हमारा जो 2019 का स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का डेटा था, उन्होंने कहा था कि 3.72% जो है मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसी से 3.72% से आपका जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये इसका तीसरा बेनिफिट है। और एक इसका ऑप्शन और हम ले सकते हैं, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट।
इसके अंदर अगर आपके पास 7.5 लाख तक की पॉलिसी है तो आप 1,000 रुपये पर डे इनसे क्लेम कर सकते हैं 30 दिन तक मैक्सिमम। अगर आपके पास 7.5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी है तो 2,000 रुपये जो है पर डे का आप मैक्सिमम 30 दिन तक के लिए ले सकते हैं। ऐसे ही अगर 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 4,000 रुपये पर डे मैक्सिमम लिमिट 30 दिन की है। और इसके अंदर मिनिमम जो हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए आपकी वो 2 से 3 दिन की होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक एक्सीडेंटल कवरेज और है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर, अगर कोई भी एडल्ट है इस पॉलिसी के अंदर 18 साल से ऊपर है तो वो 5 गुना तक इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकता है। यानी अगर मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपये की पॉलिसी ली है तो मैं 50 लाख रुपये तक का जो है इसके अंदर एक्सीडेंटल कवर ले सकता हूँ। तो इसके लिए भी आपको एडिशनल प्राइसिंग यानी एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेटिंग पीरियड की, तो दोस्तों सभी पॉलिसीज़ के अंदर एक 30 दिन का एक एक्सेप्शन होता है कि इसके अंदर 30 दिन तक आपको किसी भी बीमारी के पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरी के ही मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ रूल आउट किया है कि अभी आप कितने भी मतलब कोविड के केसेस आते हैं उनके लिए जो है सिर्फ 15 दिन का ही वेटिंग पीरियड रखेंगे। तो सेम इसके अंदर भी 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, कोविड-19 जो है 15 दिन के बाद इसमें भी कवर हो जाएगा। और 2 साल का एक इसके अंदर डिजीज़ होती हैं जो सभी के अंदर होती हैं लगभग, जैसे आपका हर्निया हो गया, आपका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गया, या आपका किडनी स्टोन्स हो गए, आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हो गए, तो इस तरीके की काफ़ी सारी बीमारियां हैं। इन बीमारियों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो पढ़ सकते हैं कि इन बीमारियों के पैसे लगभग मार्केट के अंदर 95 कंपनीज जो हैं 2 साल के बाद ही पे करती हैं। अगर 2 साल से पहले इनका कोई भी क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सेम इस पॉलिसी के अंदर भी वही है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की, तो यहाँ पर 3 साल का जो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, लाइक आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटिक हो, आप को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो कोई सी ऐसी बीमारी है जो आप डिक्लेयर करते हैं तो वो 3 साल के बाद ही इस प्लान के अंदर कवर हो पाएंगी। तो दोस्तों क्या है ये जो प्लान है, अभी तक का जितने भी हमने इंडस्ट्री के अंदर प्लान देखे हैं ये सबसे बेस्ट प्लान है अभी तक का। और आप कहेंगे तो मैं इसका ब्रोशर भी आपको जो है, ब्रोशर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे डाउनलोड करके इसके पूरी डिटेल्स इसके अंदर पढ़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मेरे से आप व्हाट्सएप नंबर मेरा जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और हेल्थ इंश्योरेंस की प्लान के बारे में पूछना है और आपके कुछ सवाल हैं या आप कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मुझसे बेफिक्र होकर पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस वीडियो में अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।